भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा मुकाबला इंदौर में खेला गया। क्या है इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आगे बताएंगे इस अब वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 रनों का स्कोर बनाया और न्यूजीलैंड की टीम को 386 रनों का स्कोर दिया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने 85 गेंदों में 101 तो शुभमन गिल ने 78 गेंदों में 112 रनों की पारी खेली। वहीं हार्दिक पांड्या ने 54 तो कोहली ने भी 34 रनों की पारी खेलकर टीम को 385 रनों के स्कोर तक पहुँचाया। वहीं शार्दुल ठाकुर ने भी हार्दिक पांड्या का बेहतरीन साथ देते हुए 25 रनों की पारी खेली। 386 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जब 0 रन के टीम के स्कोर पर फिन एलन पवेलियन की तरफ चलता हुए। इसके बाद डेवोन कर्मे ने पारी को संभाला, जहां डेवोन कर्मे ने 138 रनों की पारी खेली तो वहीं हेनरी निकल ने 40 गेंदों में 42 रन बनाकर उनका साथ दिया, जहां सेंटनर ने 34 तो माइकल ब्रेसवेल ने 26 रनों की पारी खेली, वहीं डेरिल मिचेल ने भी 24 रनों की पारी खेली। इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 290 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारतीय मैच 95 रनों से जीत गया। बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो भारतीय गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर ने 3 और कुलदीप यादव ने भी 3 सफलता दिलाई। वहीं चहल को 2 सफलताएं मिली तो वहीं हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक एक एक विकेट लेने में सक्षम रहे। आपको हमारी क्रिकेट रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।